हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में रिव्यू और साथ ही रिएक्ट करने वाला हूँ अभी जो हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुई है इंडो नेपाली फिल्म जिसका नाम है प्रेम गीत 3। जी हाँ दोस्तों, ये पहली ऐसी फिल्म है नेपाली फिल्म जिसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ और मैं शायद देखने वाला हूँ थिएटर्स पर जाकर। दोस्तों ये फिल्म नेपाली लैंग्वेज के साथ साथ आपको हिंदी लैंग्वेज में भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। और दोस्तों ये फिल्म इतनी चर्चा में इसलिए क्योंकि इसका जब टीजर आया था तो टीजर इतना ज्यादा शानदार लग रहा था, और साथ ही साथ बाद में जब ये पता चला कि इस पूरी फिल्म की बजट सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए की है तो दोस्तों सबके जज्बात हिल गए, जज्बात पलट गए। क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी टीजर को देखकर ये तो साफ पता चल गया है कि बहुत अच्छी लेवल की एक्शन और बहुत अच्छी लेवल की स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी आपको नजर आने वाली है। तो दोस्तों इसी वजह से इस फिल्म के लिए मैं पर्सनली और बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। अब इसके ट्रेलर आ चुकी है दोस्तों, ट्रेलर क्या कैसा लगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो ऑनेस्टली बताओ, ट्रेलर की जो एक्सपेक्टेशन थी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऊपर ही रही है ट्रेलर। दोस्तों टीजर जैसी थी उससे 2 गुना ज्यादा मजा आपको ट्रेलर में आने वाला है। स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताओ तो ये ट्रेलर को देखकर साफ पता चल गया कि स्टोरी जो रहने वाली है वो प्रेम और गीत यानी कि 2 बचपन के प्यार के बीच में नजर आने वाले। जहां पर लव स्टोरी रहती है वहां पर आपको तकरार के साथ साथ वहां पर विलन भी नजर आएगा और एक्शन भी नजर आएगा धुआंधार। तो दोस्तों अभी तक यही समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत स्टोरी को देखकर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी जो ट्रेलर में दिखाई गई है वो भी नेक्स्ट लेवल की है, जिसकी वजह से इस फिल्म को देखने की एक्सपेक्टेशन अब और ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों साथ साथ आपको ये भी कहूंगा कि इस फिल्म के अंदर जो डायलॉग्स नजर आने वाले हैं आपको वो भी बहुत अच्छे नजर आएंगे और हिंदी डबिंग भी काफी अच्छी होने वाली है, ये भी साफ पता चल रहा है। तो दोस्तों इस वजह से मुझे ये ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छी लगी है। आपने इस ट्रेलर को नहीं देखा तो आप भी इस ट्रेलर को जरूर देखना। साथ ही दोस्तों आपको एक चीज और कहूंगा कि बॉलीवुड को टक्कर देने के लिए एक और इंडस्ट्री आ चुकी है। तो दोस्तों बॉलीवुड को कुछ जरूर धमाका करना पड़ेगा अगर बचे रहना है कॉम्पिटिशन में, तो वरना तो फिर कोई बात नहीं, खत्म है फिर। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्द भी मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में।